हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। दोस्तों, जो डेली जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का जो सेशन चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन है? हु इज़ द फर्स्ट चाइनीज वोमेन टू गो टू द स्पेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा लियू यंग। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला जो है वो लियू यंग है। ठीक है, तो इसका आंसर लियू यंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं दोस्तों। इन विच स्टेट इज द बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन इंडिया? तो बक्सा बाघ परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा इसका। बक्सा बाघ परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया? तो देहरादून हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर दोस्तों देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर। बौद्ध स्थल तांबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द बुद्धिस्ट साइट कॉपर मैनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो गोरला रोहनी जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हु बिकेम द फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? तो गोरला रोहिणी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दो नदी है, तुंगभद्रा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ग्रासलैंड ऑफ वेनेजुएला कॉल्ड? तो लानोज हो जाएगा इसका आंसर। तो लानोज इसको याद रखेंगे आप। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। फोसिल नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द एनु ट्राइब फाउंड? तो जापान हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो जापान इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ में स्थित है। वेयर इज द नेशनल मेरीन पार्क लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मानस किस नदी की सहायक नदी है? मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। तो आप चंडीगढ़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बेडकर स्टेडियम इज रिलेटेड टू विच गेम? तो फुटबॉल हो जाएगा इसका आंसर। अंबेडकर स्टेडियम जो है वो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ओमान और ईरान की कौन सी जल संधि अलग करती है? व्हाट स्ट्रेट सेपरेटेड ओमान एंड ईरान? तो होर्मुज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। ये भी साइंस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम? तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अंकुरित अनाज में कौन से विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन स्प्राउटेड ग्रेन्स? तो विटामिन सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत कोयला कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों इसको। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अब देखिए, करंट अफेयर से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंक्लूड किए हुए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा।
भारत एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। रिसेंटली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो भारत करेगा। हाल ही में बिरुपात्र मिश्रा किस बैंक के सीईओ बने हैं? रिसेंटली बिरुपाक्ष मिश्रा बिकेम द सीईओ ऑफ विच बैंक? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ जो है वो बिरुपाक्ष मिश्रा जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, ठीक है। और भी इस चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो आप यहाँ से फॉलो करके आप एक कर सकते हैं। डेली अगर दोस्तों आप 5 से 7 मिनट देते हो या फिर 10 मिनट देते हो तो आपका 30 से 35 क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, जो आने वाले हर एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।